स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 मार्च 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर आप जरूर करें। इस आज की सबसे बड़ी खबरें, एक ही हफ्ते में तीसरी बार कैबिनेट की बैठक, 6 मार्च को फिर लिए जाएंगे कई बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 6 मार्च सोमवार को होगी। सप्ताह के भीतर राज्य मंत्रिमंडल की तीसरी बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में दोपहर 2 बजे से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी। इससे पहले 1 मार्च और 3 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है। अब इस बैठक में भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बिजनेस जांच में खुलासा, ड्राइंग मास्टर परीक्षा में टॉपर बनी थी पेपर खरीदने वाली महिला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ड्राइंग मास्टर पोस्ट को 980 की लिखित परीक्षा के लिए तैयार किए गए पेपर को सुनीता देवी ने पैसे देकर खरीदा था। पेपर देने और कागजातों की जांच होने के बाद सुनीता देवी 28वें नंबर पर आकर टॉपर बनी है। हालांकि इस परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया है, लेकिन 314 पदों की भर्ती लिस्ट में सुनीता देवी 28वें नंबर पर थी। कर्मचारी चयन आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा जात की पड़ोसन सुनीता देवी ने भी पैसे देकर पेपर खरीदा था। इसका खुलासा बिजनेस की जांच में हुआ है। ड्राइंग मास्टर भर्ती में फर्जीवाड़ा होने के चलते बिजनेस ने शुक्रवार को FIR दर्ज की थी, लेकिन अभी तक बिजनेस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि जिस महिला ने पेपर को खरीदा था उस पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, जबकि पेपर लीक मामले में पहली उमा आजाद, उसके बेटे निखिल आजाद, नितिन आजाद और संजीव कुमार न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। उनके खिलाफ एक और मामला बन गया है, लेकिन बिजनेस ने 2 लोगों के खिलाफ ही FIR दर्ज की है। अब बिजनेस अभ्यर्थी सुनीता देवी वो पेपर बेचने वाले को कोर्ट में पेश कर रिमांड ले सकती है। हरोली और कुल्लू के DSP बदले, BSF में IG पद पर सेवाएं देंगे दिनेश यादव। प्रदेश सरकार ने 2 HPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसके तहत DSP अरोली अनिल कुमार को DSP कुल्लू व DSP मुख्यालय कुल्लू मोहन लाल रावत को DSP हरोली के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं वर्ष 1998 बैच के IPS अधिकारी दिनेश कुमार यादव BSF में IG के पद पर अपनी सेवाएं देंगे। इस तरह वे 5 साल की अवधि में प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले वे मौजूदा समय में ADG पुलिस के पद पर सेवाएं दे रहे थे। उधर राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा के अधिकारी एवं वरिष्ठ विशेष निधि सचिव राजेश भारद्वाज को लोकमान विभाग तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह के कार्यालय में तैनाती दी है। इससे पहले राजेश भारद्वाज सचिव सहकारिता के कार्यालय में सेवाएं दे रहे थे। कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में 13 अप्रैल को होगी पेशी। JYT पेपर लीक मामले में कोर्ट में दायर केस की पहली पेशी 13 अप्रैल को होनी है, जिसमें न्यायिक हिरासत में चल रहे 4 आरोपियों और जमानत पर छोड़े गए नीरज कंवर, अजय शर्मा, तनु शर्मा, सचिपाल भी पेशी के दौरान कोर्ट में हाजिर हो गए। वही उमा जात के बेटे की जमानत की सुनवाई 14 मार्च को होनी है। केंद्रीय कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन, सरकार ने मुलाजिमों के सामने रखा विकल्प। होली से पहले केंद्र सरकार ने अपने चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का फैसला लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर नए आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक अगर कर्मचारी को 22 दिसंबर 2003 से पहले सरकारी नौकरी मिली है तो भी पुरानी पेंशन स्कीम चुन सकती है। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। खबर कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से, कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ 1600 केस पेंडिंग। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बंद होने से बेरोजगारों की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ 1600 केस पेंडिंग है, जिनकी सुनवाई होनी है। इन कोर्ट केसों में अधिकतर अभ्यर्थियों ने अपनी याचिकाएं दाखिल की है, जिसका अभी फैसला होना है। पेपर लीक मामले के बाद बेरोजगारों की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है। जीरो दाखिले वाले 200 स्कूल बंद, जयराम सरकार के कार्यकाल के आखिरी समय में खुले थे विद्यालय। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व जयराम सरकार के समय चुनाव से ठीक पहले खोले गए स्कूलों से बिना एडमिशन वाले 200 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए हैं। इन स्कूलों को लेकर जारी अधिसूचना को वापस लिया जाएगा।
इसके साथ ही प्राइमरी में अधिकतर 15 और हाई तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अधिकतम 25 बच्चों की एडमिशन की शर्त लगाई गई है। इस शर्त को पूरा न करने वाले अपग्रेडेड स्कूल भी बंद हो जाएंगे। पूर्व भाजपा सरकार में चुनाव से पहले आखिरी साल में करीब 380 नए स्कूल खोल गए थे। इनमें से 80% अपग्रेडेड स्कूल थे। नए स्कूल सिर्फ प्राइमरी में खोले हैं। इनमें से करीब 200 स्कूल ऐसे जहां नोटिफिकेशन होने के बाद भी एडमिशन नहीं हुई है। जीरो एडमिशन वाले इन स्कूलों को मंत्रिमंडल ने डी नोटिफाई करने के निर्देश दिए है। इन स्कूलों में तैनात स्टाफ को अन्य स्कूलों में इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पर पद रिक्त पड़े हुए है। ऊना युवक मौत मामला, प्रदर्शनकारियों और प्रशासन की वार्ता विफल, माहौल हुआ तनावपूर्ण। ऊना जिले के गांव सनोली के देवेंद्र सिंह की मौत मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार कस्बा महतपुर में चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर चल रहा चक्का जाम उस वक्त तनावपूर्ण माहौल में बदल गया जब प्रदर्शनकारियों और जिला प्रशासन के बीच चल रही वार्ता पूरी तरह से विफल होगी। जिला प्रशासन की तरफ से डीसी राघव शर्मा और एसपी अर्जित सेन ठाकुर मृतक देवेंद्र सिंह के परिजनों और प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे तक चली वार्ता विफल रहने के बाद जब अधिकारी बाहर निकले तो गुस्साई भीड़ उन पर झपट पड़ी। पुलिस कर्मचारी और पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम ने मोर्चा संभालकर अधिकारियों को घेरे में ले लिया, लेकिन वार्ता स्थल से लेकर गाड़ी तक पहुंचने में अधिकारियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। शिमला में सेवार्थी के साथ 94,17,000 रुपए की धोखाधड़ी, दिल्ली का रहने वाला है आरोपी। शिमला में सेवार्थी के साथ करीब 94,17,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में चेड़गांव थाना में FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी भी सेब व्यापारी और दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी ने अगस्त 2022 में 38 से 3 करोड़ के सेब की पेटियां खरीदी थी। पुलिस में दर्ज FIR के अनुसार शिकायतकर्ता ने कहा है कि वे मैसर्ज नारायण फॉरवर्डिंग एजेंसी और नारायण फ्रूट कंपनी चिड़गांव मांडली के नाम से सेब का कारोबार करता है। सेब सीजन के दौरान अगस्त 2022 में रामचंद्र नाम के व्यक्ति, जिसकी मैसर्ज रामचंद्र सूरज एंड सन्स नाम से दुकान है और रोहिणी उत्तर पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है, उसने उसके साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार सेब सीजन के दौरान आरोपी ने 3 करोड़ रुपए के सेब खरीदे। उसने 2 करोड़ रुपए की पेमेंट तो कर दी, लेकिन 1 करोड़ की नहीं की। इसके बाद हिसाब लगाया गया तो आरोपी पर 94,17,000 रुपए बकाया था। आरोपी की इसके बाद उक्त आरोपी ने 2 चेक शिकायतकर्ता को दिए, जिसमें 1 चेक में 50 लाख, दूसरा चेक 44,17,402 रुपए का था। ये दोनों चेक बाउंस हो गए हैं। उधर मामले को लेकर शिमला पुलिस का कहना है कि धोखाधड़ी के इस मामले में जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर रही है। लोक सेवा आयोग ने घोषित किया स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम, 116 उम्मीदवार हुए उत्तीर्ण। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज कैडर, अंग्रेजी के पदों को भरने के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। बीते वर्ष 3 दिसंबर को आयोजित हुए इस टेस्ट में 116 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। प्रतिभा सिंह की निष्क्रिय पदाधिकारियों को चेतावनी, पूर्ण क्रियाशील नहीं हुए तो संगठन से होंगे बाहर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के निष्क्रिय पदाधिकारियों को चेताया था तो उन्हें संगठन की मजबूती के लिए पूर्ण क्रियाशील होने का आह्वान किया है, अन्यथा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ ब्लॉकों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की धीमी गति पर अपनी नाराजगी जताई तथा गति प्रदान करते हुए निर्धारित समय अवधि में इस अभियान को पूरा करने के निर्देश दिए है। वे शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। खबर HPU से PhD की सीटें भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने PhD की सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। सत्र 2022-23 के लिए विश्वविद्यालय के 25 विभागों में PhD की 173 सीटें भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने कहा है कि PhD की प्रवेश परीक्षा की तिथि बाद में अलग से अधिसूचित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया भी तय तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। खबर बिलासपुर से ACC प्लांट हेड पर स्याही फेंकने के आरोप में कांग्रेस नेता पर केस। ACC सीमेंट प्लांट के हेड पर स्याही फेंकने के आरोप में सादर बिलासपुर ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ
आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सीमेंट प्लांट हेड के चालक की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। खबर कुल्लू से भाजपा ने निकाली आक्रोश रैली, जयराम बोले 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारी संस्थानों में तालाबंदी करने वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे। ये बात उन्होंने शनिवार को ढालपुर चौक में जिला भाजपा की आक्रोश रैली के दौरान कही। जयराम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। प्रदेश में जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे उसे देखते हुए लगता है कि ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सरकार के खिलाफ विपक्ष मात्र 2 से 3 महीने के भीतर सड़क पर उतर गया है। आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री और सरकार ने बदले की भावना से काम नहीं किया है। खबर चंबा से एसआईयू सेल ने 1 किलो 109 ग्राम चरस के साथ दुबोचा तस्कर। चंबा पुलिस ने कोटी पुल के पास नाकाबंदी के दौरान एक युवक से 1 किलो 900 ग्राम चरस बरामद किया है। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। तस्कर की पहचान रूप सिंह उमर 30 निवासी गांव देवी कोठी तहसील चुरा के तौर पर की गई है। खबर शिमला से राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की विजेता आस्था को किया सम्मानित। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शनिवार को आस्था शर्मा को राजभवन बुलाकर उनकी प्रतिभा का सम्मान किया। राष्ट्रीय युवा संसद की भाषण प्रतियोगिता में आस्था ने प्रथम स्थान हासिल कर हिमाचल को गौरवान्वित किया। वे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजोली शिमला में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्र है। राज्यपाल ने आस्था को हिमाचली टोपी, शॉल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया।